वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक रॉकिंग स्टार यश की। रॉकिंग स्टार यश को आज किसी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपने KGF फिल्म से यश ने जो फैन बेस क्रिएट किया है वो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर अचीव कर पाए। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इस लेवल तक पहुँचने में यश ने काफ़ी हार्डवर्क किया है जो कि शायद लोग जानते तक नहीं है। इस वीडियो में आज बताएंगे यश से जुड़े 15 फैक्ट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यश कर्नाटका के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उनके फादर बस ड्राइव करते हैं। यश के फेमस होने तक भी उन्होंने बस चलाया। यश का इस पर कहना है कि मेरे फादर सेल्फ डिपेंडेंट हैं और यही क्वालिटी मैंने उनसे सीखी है। यश को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। यश के पढ़ाई छोड़ने से उनके पेरेंट्स काफ़ी नाराज थे और ये तो होना ही है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक्टिंग को कभी सीरियस नहीं लेती। यश जब एक्टर बनने बैंगलोर आए तो वो बैंगलोर में किसी को नहीं जानते थे और उनके पास सिर्फ 300 रुपये थे। दिन भर थिएटर के चक्कर लगाया करते थे और वहाँ सेलेक्शन के लिए ऑडिशन दिया करते थे। उनकी एक फिल्म जिसमें वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे बंद हो गई और वहाँ से भी उनके पैसे नहीं मिले, जिससे वो फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझने लगे। यहाँ तक कि उन्हें एक रात बस स्टैंड पर भी सोना पड़ा। यश ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से सारे जगह ऑडिशन दिए। कुछ एक्टिंग के ऑडिशन थे तो कुछ प्रोडक्शन। कुछ टाइम के बाद उन्हें एक टीवी सीरियल में काम मिला और थोड़े ही दिन में वो पॉपुलर टीवी एक्टर बन गए। यश पॉपुलर फेस तो बन गए थे पर उनका मन मूवी में एक्टिंग का था, इसलिए जैसे ही उन्हें सपोर्टिंग एक्टर का रोल ऑफर किया गया वो तुरंत तैयार हो गए और इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें दिया गया। इसके बाद उन्हें एज अ लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा और ऑडियंस से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे यश इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में गिने जाने लगे। यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और बचपन से उनका निकनेम यश रहा है। उसके ऑल टाइम फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश ने रिवील किया है कि अमित जी की 70s की मूवी को देखकर ही KGF के कास्ट की पर्सनैलिटी डेवलप किया था। KGF और जीरो के एक दिन रिलीज होने से मीडिया में काफ़ी बातें हो रही थी, बट यश ने इन बातों को पॉजिटिव लिया और कहा दोनों ही अलग टाइप की मूवी है। KGF ने 250 करोड़ की बिजनेस की और जीरो ने 191 करोड़। लड़के के बारे में वो क्या कहते हैं सुनिए। KGF के हिंदी वर्जन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे और हिंदी ऑडियंस से इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर वो शॉक थे। उन्होंने बॉलीवुड ऑडियंस को थैंक्स किया और कहा है कि कन्नड़ सिनेमा को वर्ल्ड लेवल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए उनका प्रमुख योगदान है। यश का कंपैरिजन कभी कभी प्रभास से किया जाता है तो कभी रामचरण से, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। यश काफ़ी हम्बल हैं और पब्लिक में उनका अपियरेंस भी काफ़ी रीचेबल है, जो उन्हें उनके पिता ने सिखाया है। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको पसंद आई होगी और इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी अपने रॉकिंग स्टार की जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।